आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हम लोगों को, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। देन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वेसल है जिसको कि एक हॉलो हेमीस्फीयर के ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रख देने से बनाया गया है, और जो हेमीस्फेरिकल पार्ट है इस वेसल का उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, जबकि वेसल की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से बने हुए वेसल का इनर सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, इनर कप सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है इस वेसल का। अब देखिए इस वेसल में हम लोग देखें तो ये क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है, हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 14 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, हॉलो हेमिस्फेयर का डायमीटर है, और जितना हॉलो हेमिस्फेयर का डायमीटर होगा उतना ही डायमीटर हॉलो सिलेंडर का भी होगा। मतलब इस स्फीयर और इस सिलेंडर दोनों के डायमीटर सेम है, और जब दोनों के डायमीटर सेम है तो दोनों की रेडियाई भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, करेक्ट है ना। तो मान लेते हैं कि दोनों की रेडियाई कितनी है, आर है। अगर दोनों की रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर दें तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे क्या करें, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो 14 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। इसका मतलब सिलेंडर और इस हेमीस्फीयर दोनों की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये क्या है, रेडियस है, तो अगर वो रेडियस है तो ये भी तो क्या है, रेडियस होगी ना, और अगर ये रेडियस है और 7 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी निकल आती है, वो निकल आती है 7 सेंटीमीटर, जबकि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखी है, टोटल हाइट इस वेसल की कितनी है, 13 सेंटीमीटर, जिसमें से ये 7 सेंटीमीटर है। तो क्या हम लोग इस बचे हुए पार्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लेंथ फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, इस कंप्लीट लेंथ में से इस लेंथ को हम लोग क्या करें, माइनस कर दें, मतलब 13 में से 7 को माइनस कर दें, तो ये लेंथ हम लोगों को मिल जाएगी जो कि कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर। और यही लेंथ अपने आप में क्या है, यही लेंथ है हाइट किसकी, इस सिलेंडर की, मतलब h इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं आप 6 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों के पास में क्या है, देखो सिलेंडर की हाइट है और सिलेंडर की रेडियस है और हेमीस्फीयर की भी रेडियस है, और हमें निकालना क्या है, इनर कप सरफेस एरिया निकालना है ना। तो कैसे निकाल सकते हैं, इस हेमीस्फीयर का कप सरफेस एरिया निकालें और इस सिलेंडर का कप सरफेस एरिया निकालें और दोनों को प्लस कर दें तो हमें टोटल इनर कप सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं पहले। तो यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि हेमीस्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और सिलेंडर की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और हमें क्या निकालना है, वेसल का टोटल कप सरफेस एरिया निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा, हेमीस्फीयर के कप सरफेस एरिया में प्लस कर दें सिलेंडर के कप सरफेस एरिया को, ठीक है। तो एक हेमीस्फीयर के कप सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr², करेक्ट है। वहीं एक सिलेंडर का कप सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πrh, ठीक है। अब करते हैं हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और हम लोग देखें तो यहाँ भी 2πr है और यहाँ भी 2πr है, मतलब दोनों जगह पर है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2πr को ले लेते हैं। तो 2πr हम लोगों ने कॉमन लिया, जब इस टर्म में से 2πr हम लोगों ने बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर में से देखो एक आर बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रहेगा, आर रहेगा, प्लस का साइन लगा देते हैं। 2πrh में से 2πr तो बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, h बचेगा, करेक्ट है। अब क्या करना है, सिंपली जस्ट हम लोगों को वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो 2 की जगह तो 2 ही रखिए, पाई की जगह पर रख देते हैं 22/7, और रेडियस हम लोगों ने फाइंड करी है ना कितनी है, 7 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस, तो यहाँ पर रखो 7 सेंटीमीटर, राइट। ये रेडियस है, अगेन रखिए 7 सेंटीमीटर, और h, h हम लोगों को पता है ना कितना, 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो h की जगह पर रखो यहाँ पर 6। अब करो फर्दर सिंप्लीफाई, देखो 7 नीचे है और ये 7 ऊपर है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। 2 का मल्टीप्लाई जब 22 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब मिलेगा 44, और इस ब्रैकेट को जब हम लोग सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस, तो 7 और 6 को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 13। अब जस्ट क्या करना है, 44 और 13 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब 44 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या है, इस वेसल का टोटल कप सरफेस एरिया है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया,
राइट तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।